हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लैकेसिस के बारे में, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लैकेसिस का जो पेशेंट होता है वह बहुत ही वाचाल होता है, बोलता बहुत ज़्यादा है, लेस मेलेंकॉलिक टेम्परामेंट होता है, यानी थोड़ा अल्प विषादी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा विषाद या दुख होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन दुख की प्रकृति होती है इसकी। इसके अलावा यह हमेशा ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, हर किसी के साथ मिलजुल कर रहने की भावना इसकी नहीं होती है, अकेले में रहना पसंद करता है। इसके नेत्र काले होते हैं, तो सही प्रकृति का होता है, आलसी होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, शंकालु प्रकृति का होता है, रात में आग लगने का भय इसकी मानसिक वृत्ति बन जाती है। इस तरह के तमाम मानसिक लक्षण हैं दोस्तों जिस पे यह दवा काम करती है। पेशेंट को समय ज्ञान की गड़बड़ी होती है, समय का ज्ञान सही से नहीं होता है, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका मानसिक लक्षण होता है कि यह वाचाल होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। आप देखेंगे कि जब लैकेसिस के पेशेंट को आप सामने से देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट बोलता बहुत ज़्यादा है, एक बात अभी बात हो रही है, एक बात से कोई बात निकली और फिर वो दूसरी बात पे चली गई, मतलब आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। वो खुद ही इंसान, मतलब जो पेशेंट होता है वो खुद इतना बोलेगा, डॉक्टर साहब ये बात वो बात, एक बात शुरू की उस बात को कोई एक कोना पकड़ के दूसरी बात पे चला गया। तो ये जो प्रकृति होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, ये होती है लैकेसिस के अंदर में दोस्तों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है लैकेसिस के लिए। ऐसी स्थितियाँ जो कि क्लोरोटिक होती हैं यानी हरित पांडु रोग से पीड़ित होती हैं उनके ऊपर यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो पेशेंट का फेस होता है उस पर आपको मेचक या जिसको फ्रिकल्स बोलते हैं वह आपको दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं काफ़ी संख्या में, और साथ में जो केस होते हैं दोस्तों वो देख कर देखने पर लालिमा लिए होते हैं, जो कि फास्फोरस में भी पाया जाता है। फास्फोरस का जो पेशेंट होता है उसके बाल जो भी होते हैं उसके अंदर लालिमा पाई जाती है, ये इससे हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। लैकेसिस का पेशेंट स्थूल काय के बजाय अगर दुबला पतला है तो उस पर ज़्यादा अच्छी क्रिया होती है इसकी। ऐसे पेशेंट जिनकी प्रकृति चेंज हो गई है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों कि जब किसी भी पेशेंट की प्रकृति चेंज हो जाए, जैसे कभी कभी हो क्या होता है कि कोई पेशेंट है जिसको पहले ठंड नहीं लगती थी, हमेशा अच्छे से रहता था, लेकिन अब प्रकृति चेंज हो गई है, अब उसको थोड़ी थोड़ी बात पे या थोड़ी थोड़ी मौसम चेंज होने पे ठंड लग जाती है, तो ऐसे प्रकृति के लिए या ऐसे पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा हो सकती है लैकेसिस, सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो। दोस्तों ये एक बड़ा खास सिम्टम है इसका, जहाँ पर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रकृति चेंज हो जाए। दोस्तों एक बहुत अच्छी दवा है लैकेसिस रजोनिवृत्ति काल की, यानी मेनोपॉज के समय जो सिम्टम्स आते हैं उस दौरान की यह एक बहुत अच्छी दवा है। आप देखिए कि ऐसे पेशेंट को क्या दिक्कतें होती हैं, रजोनिवृत्ति काल के समय में या मेनोपॉज के समय में फ्लशिंग सा फेस होता है, चेहरे से ऐसा लगता है कि आग से निकल रही है या गर्मी से निकल रही है, वर्टेक्स रीजन पे गर्मी सी महसूस होती है। ऐसे कंडीशन में जब हेमराइड्स हो जाए, जैसे रजोनिवृत्त काल में, या ऐसे पेशेंट को, लेडीज़ पेशेंट को जिनको मेंसेस बंद हो रहा है एट द एज ऑफ 40-45 के आसपास में, तो आप देखेंगे कि उनको अगर उस कंडीशन में हेमराइड्स हो जाए, वॉशिंग की कंडीशंस हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, फ्लशिंग सा फेस हो, चेहरे पे तेज निकलता हो या गर्मी निकलती हो चेहरे से, वर्टेक्स रीजन में गर्मी महसूस होती हो, इन सारी कंडीशंस में लैकेसिस एक बहुत ही बढ़िया दवा है दोस्तों। मेनोपॉज के समय में हॉट परस्पिरेशन हो, पसीना जो होता है उसके अंदर गर्मी होती है, गर्म पसीना होता है, और वर्टेक्स सीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेडेक हो और वहाँ पे गर्मी महसूस हो, ये एक अच्छा सिम्टम्स होता है लैकेसिस के लिए। और इन सिम्टम्स पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सेंगवेरिया सी और सल्फर के साथ में दोस्तों, उसके अंदर भी वर्टेक्स सीजन में गर्मी के साथ में दर्द होता है और हॉट परस्पिरेशन होता है, स्पेशली मेंसेस के दौरान या मेंसेस के बाद, तो उसकी एक अच्छी दवा है ये दोस्तों। लैकेसिस एक बहुत ही बढ़िया दवा है लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ की, मतलब बहुत पुराने समय से कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा दुख में घिरा हुआ है,
उस कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है लैकेसिस। दीर्घकालीन शोक संताप के कारण प्रकट होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे किसी प्रकार का दुख, भय, परेशानी, ईर्ष्या या निराश, प्रेम में निराशा लगी हो, इन कारणों के कारण अगर प्रकट होने वाला कोई भी रोग है दोस्तों, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है लैकेसिस। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इग्नेशिया, आरमेट और फास्फोरस के साथ में दोस्तों। ऐसे स्त्रियों की एक रामबाण दवा है जिनको रजोनिवृत्ति काल के बाद यानी कि मेनोपॉज के बाद कभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, हमेशा उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई या बिगड़ती रही, हमेशा कुछ न कुछ लगा रहा, ऐसे स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी दवा होती है लैकेसिस। लैकेसिस के पेशेंट का ज़्यादातर आप देखेंगे बायां भाग ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों। बायां भाग प्रभावित होता है, बाएं अंग पे इसकी ज़्यादा क्रिया होती है और बाएं अंग के साथ साथ में इसके जो लक्षण होते हैं बाएं से दाहिनी ओर बढ़ते हैं या फैलते हैं। यानी जैसे कि बायां डिम्ब यानी सपोज बाएं ओवरी है या बाएं भाग का कोई भी है, तो बायां पहले प्रभावित हुआ उसके बाद दाहिनी तरफ चला आया, तो कोई भी सिम्टम जब भी बाएं से दाएं जाए तो वहाँ पे एक बार लैकेसिस को ज़रूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और ठीक इसी का उल्टा होता है, अगर दाहिने से बाएं की तरफ जाए वहाँ पे लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। लैकेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है दोस्तों हाइपर सेंसिटिव टच, टच के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, खासतौर से गर्दन में, पेट पे, स्टमक के रीजन में। पेशेंट कभी भी क्लॉथ को यानी कपड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे कि अगर वो गले में दुपट्टा पहन ले या अपने गले की जो कपड़े है, सपोज लेडीज है, तो अगर अपने अपने दुपट्टे को ऐसे कर ले, उसको उलझन सी महसूस होती, मन करता है उसको कि इतनी जल्दी इसको ढीला कर दें, कपड़े को हल्का कर दें। ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है लैकेसिस के अंदर में दोस्तों, ठीक है, इसको ढीला कर देना चाहता है। इवन पेट पे जब कपड़ा पहनते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग नॉर्मल पहनते हैं, कुछ लोग टाइट पहनते हैं, कुछ लोग ढीला ढाला पहनते हैं, तो लैकेसिस का जो पेशेंट होता है वो ढीला ढाला पहनना पसंद करता है। उसको टच अगर थोड़ा सा भी टाइट हो जाए कपड़ा तो उसको बड़ा अनईजी फील होता है, वो उसको पेशेंट को नर्वस बना देता है उस टच के कारण, इसलिए हमेशा वो ढीला ढाला पसंद करता है। अगर किसी पेशेंट से आप पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा कि गले में और कमर में ढीला ढाला कपड़ा पहनना पसंद करता है। इवन जो बेड क्लॉथ्स होते हैं, जब बिस्तर पर जाता है पेशेंट, तो उस दौरान भी कम से कम कपड़ा यूज़ करना चाहता है ढीला ढाला, क्योंकि वो उसको नर्वस बना देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए लैकेसिस दोस्तों बहुत ही बढ़िया दवा है दोस्तों। इस तरह के सिम्टम्स आपको बेलाडोना और एपिस में भी मिलेंगे, लेकिन बेलाडोना या एपिस का जो सेंसिटिविटी होती है टच के प्रति वो होता है ड्यू टू टेंडर, मतलब कि कभी उसको दुखन हो, सोरनेस हो, वहाँ पे दर्द हो, उसकी वजह से, टेंडरनेस की वजह से वह कपड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाता है एपिस मेल और बेलाडोना का पेशेंट। जबकि लैकेसिस में होता है दोस्तों उसको नर्वस बना देता है, उसकी सेंसिटिविटी होती है कपड़े के प्रति, टच के प्रति, दर्द के कारण नहीं होता है। और ये टच के प्रति लैकेसिस नंबर वन पे आती है, फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है। सेकेंड ग्रेड की मेडिसिन है इसमें सीपिया, सीपिया के अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है कि गले में और कमर में कपड़े को टाइट या वैसे भी कपड़ा टाइट पहनना पसंद नहीं करती, ढीला ढाला पहनना पसंद करती है। लैकेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पेशेंट को वीकनेस सी आने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, तो ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है लैकेसिस के पेशेंट के लिए दोस्तों। लैकेसिस ऐसे पेशेंट की बहुत अच्छी दवा है, ऐसे पेकड़ों की जो ड्रिंक करते हैं, अगर उनके अंदर में एक बड़ा खास सिम्टम होता है दोस्तों कि ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है, या ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका पेल्विक रीजन की तरफ यानी नीचे की तरफ, जिसकी वजह से उनको हेमोराइड्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लड के कंजेशन की वजह से होता है। और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, अगर ब्रेन की तरफ होता है वहाँ पर हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और जिनकी प्रवृत्ति होती है इरिसिपेलस रोग की, जिसमें स्किन में ब्लड पूज करने लग जाता है, पूज क्या करेंगे उसको बोलते हैं कि फट जाता है, जो पतली पतली नलिकाएँ होती हैं वो इरप्ट हो जाती हैं, तो इरिसिपेलस कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों बहुत अच्छी दवा होती है लैकेसिस। ब्रेन में
ब्लड के फ्लो होने के कारण एपोप्लेक्सी की कंडीशंस, जिसको रक्ताघात बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती है दोस्तों। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है लैकेसिस के लिए। दोस्तों लैकेसिस एक बहुत ही बढ़िया दवा है हेडेक की, हेडेक स्पेशली टेम्पल रीजन की। दोस्तों जो टेम्पल रीजन होता है यहाँ पे बस्टिंग पे पेन हो, मतलब जिस लग रहा है कि फट जाएगा सिर, तो ये बेसिकली होता है ब्लड के कंजेशन के कारण। और पेशेंट को तकलीफें इसकी बढ़ जाती हैं जब पेशेंट झुकता है आगे की तरफ, झुकने पे, लेटने पे, मोशन पे, चलने फिरने पे। इवन पेशेंट जब लेट जाए या सोने जाता है तब सोने से पेशेंट डरता है दोस्तों। इसका बड़ा कारण ये होता है कि पेशेंट इसलिए सोने से डरता है कि जब वो जागेगा उसका सिर दर्द बढ़ा हुआ होगा, इसलिए वो सोने से डरता है कि अगर मैं सो गया और जब मैं उठूंगा तो मेरा सर दर्द इतना तगड़ा होगा कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पेशेंट सोने से डरता है दोस्तों लैकेसिस का। तो ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है लैकेसिस के पेशेंट के लिए। लैकेसिस के पेशेंट के सिर दर्द में एक और बड़ी खास बात होती है कि प्रेशिंग और बस्टिंग पेन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर ऐसा मतलब लगता है इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, अब फट जाएगा, इस तरह का दर्द होता है। इसके साथ साथ में दोस्तों प्रेशर से भी तकलीफें इसकी बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोशन से, चलने से, प्रेशर से, लेटने से, सोने से इसके सिर दर्द में बढ़ोतरी हो जाती है दोस्तों। तो इस सिम्टम पर अगर आप लैकेसिस देते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। लैकेसिस के सरदर्द के बारे में अभी हमने बात किया कि लैकेसिस का सरदर्द बढ़ता ही तब है जब ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ हो जाता है। अब ये जिस भी कंडीशन में ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ होगा या सिर की तरफ होगा, उन सारी कंडीशंस में लैकेसिस का बहुत ज़्यादा यूज होगा दोस्तों। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर ले, अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद ब्लड का फ्लो अगर हो जाए ब्रेन की तरफ, या ऐसे पेशेंट को जिनको मेनोपॉज की कंडीशन हो, मेनोपॉज की कंडीशन में या इरेगुलर मेंसेस हो या मेंसेस सप्रेस्ड हो गया हो, या ऐसी कंडीशन में जबकि पेशेंट मेंटल इमोशंस बहुत ज़्यादा ले रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर ले, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, तो इन सारे कारणों मेंटल इमोशंस के कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ हो जाता है दोस्तों। तो इन सारी कंडीशंस में जबकि ब्रेन की तरफ या सिर की तरफ ब्लड का फ्लो हो, वहाँ पे लैकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। इवन दोस्तों ऐसी कंडीशन में लेफ्ट साइडेड एपोप्लेक्सी हो जाती है, रक्ताघात की कंडीशन हो जाती है बाई तरफ की, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है लैकेसिस। लैकेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है दोस्तों कि उसके कपाल शीर्ष पे यानी कि वर्टेक्स रीजन पे ऊपर की तरफ में भारीपन होता है, दबाव सा महसूस होता है, और ये सिम्टम पाया जाता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सीपिया के साथ में दोस्तों। इवन जो बैक पोर्शन होता है, ऑक्सीपिट रीजन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल रीजन, वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीसा रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, सीसा रखा हुआ है, इस वजह से भारीपन महसूस हो, तो इन सारे सिम्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है लैकेसिस दोस्तों। लैकेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, स्पेशली इसके मेंटल सिम्टम पे प्रभावित है। जब भी पेशेंट सोता है उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ऑल द सिम्टम्स स्पेशली मेंटल सिम्टम्स एग्रेवेटेड आफ्टर स्लीप या ड्यूरिंग स्लीप। इसलिए पेशेंट सोने से डरता है कि जब मैं सो करके उठूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर में दर्द इसका बढ़ जाता है, इवन उसका जो मेंटल सिम्टम होता है दोस्तों वो भी बढ़ जाता है, जो तकलीफें होती हैं मानसिक रूप से वो भी बढ़ जाती हैं। जब पेशेंट सो करके उठता हो तो बहुत सैड हो जाता है, उदास रहता है, मतलब जब पेशेंट उठता है उस दौरान उसको ये फील होता है सुबह के समय में बहुत उदासी सी महसूस हो रही है, सैडनेस सा महसूस हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स दोस्तों पाए जाते हैं लैकेसिस के अंदर में। कभी कभी दोस्तों लक्षण इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पेशेंट की नींद टूट जाती है, कि जो तकलीफें होती हैं इतनी बढ़ जाती हैं कि नींद टूट जाती है, और ये पेशेंट जब उठता है तो उसमें अनहैप्पी होता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है, निराश होता है। इन सारे सिम्टम के आधार पर अगर लैकेसिस का प्रयोग किया जाता है मानसिक रूप से तो बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जानकारी बस यहीं पे रखते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो ना दूँ मैं, ताकि आपको भी दिक्कत हो। तो आज की बात बस यहीं रखते हैं दोस्तों। इसके आगे की जानकारी आपको लैकेसिस के बारे में सेकेंड पार्ट में आपको देंगे, जो कि अगले वीडियो में आप उसको देखिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज लैकेसिस के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर दोस्तों फ़ायदा हो तो इसको अपने और भी ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें।
फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ में। उसके पहले अगर आपने इस चैनल पे सब आए हैं और पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।